अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप तो बहुत ठीक होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ उमरे के लिए और रमज़ान में मेरा पहला उमरा है और एक ही उमरा कर सकते हैं, तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ सेकेंड हजरे में वेनसडे को उमरा करने। और आप सब लोगों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगी, आप भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगा। तो जी मैं डोर के पास खड़ी हूँ, यहीं पर इंट्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ, चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ रास्ते में। आज है वेडनेसडे और मुझे मिली थी उमरे की परमिट। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप उमरे पे व्लॉग नहीं आए, उमरे का व्लॉग नहीं आया, तो क्योंकि मुझे परमिट सेकंड वीक अशरे की मिली थी, इस वजह से मैंने अमरूद ले लिए। जस्ट हम इफ्तारी करके फारिग हुए थे और हम लोग निकले थे हरम के लिए, ताकि मेरा टाइम से उमरा की परमिट जो है उसमें मैं उमरा भी कर लूं और उसके बाद तहरी तक हम लोग घर भी पहुंच जाएं। तो इंशाल्लाह आप सब लोगों के लिए भी दुआ करूंगी, जो कमेंट सेक्शन में कहते हैं सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इस धरती पे लाए, रमज़ान के महीने में लेके आए। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। तो उमरे का इस बार मुझसे पूछ रहे हैं कि रमज़ान में क्या प्रोसीजर है, आप एक ही बार अपनी परमिट उमरे की निकलवा सकते हैं और अब अगर आपने रमज़ान में एक उमरा कर लिया है तो आपको एक ही उमरा अलाउ है। और ये है कि बाबा मेरी उमरा नहीं करे, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे जो है ड्राइविंग करेंगे उनको एहराम में नहीं होना। अगर वो एहराम में होंगे तो चेक पोस्ट से पहले ही आपको कार पार्क करने के बाद आधे घंटे की ड्राइव जो है आप बस से करेंगे, तो इस वजह से बाबा उमरा नहीं कर रहे और उनके अभी परमिट भी नहीं निकली थी इस वजह से भी। तो हम कुदई में पार्किंग लगाएंगे, और कुदई हम पहुंच चुके हैं, मेन कुदई में पार्किंग करेंगे, यहाँ से टिकट लेंगे, 5-10 मिनट का रास्ता होता है वो हम तय करेंगे और फिर वो क्लॉक टावर अभी आपको नज़र आ रही होगी, तो यहाँ हम टिकट देंगे अपने और इसी से हम वापस भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपको हरम के बिल्कुल करीब क्लॉक टावर का जो बेसमेंट एरिया है वहाँ पर उतारेगी आपको, वहाँ से आप लोग हरम की तरफ जा सकते हैं। रश बहुत ज़्यादा है, आदमी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह आए हुए हैं, तो अल्लाह ताला सबके उम्र को, सबकी दुआओं को, सबकी बातों को कबूल करे इस महीने की। और जो हक है हम अदा तो नहीं कर सकते लेकिन उससे करीब करीब कर सकें, तो यही है कि अब हम लोग चलते हैं हरम की तरफ और उमरा अदा करते हैं। ज़्यादातर मैं क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि इबादत में मशगूल होता है इंसान, तो इस वजह से उमरे के लिए मैं जब अपना तवाफ़ कम्प्लीट कर लेती थी तब मैं जाके थोड़े बहुत जो है क्लिप बना लेती थी आप लोगों के लिए। जो आप लोग सब लोग कहते हैं कि नूर हमें दिखाया करें, तो आज मैं आप लोगों को अपना उमरा व्लॉग दिखा रही हूँ रमज़ान में इंशाल्लाह। तो अभी हम बस में ही हैं और पहुँच चुके हैं यहाँ पे, हमें बस उतारेगी फिर हम जाएंगे हरम की तरफ। तो ये क्लॉक टावर इतना कोई मज़े का सीन लग रहा था, यहाँ पर ही लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तरावी का टाइम है। और अब हम हरम के सहन में पहुँच चुके हैं और अब जाएँगे अंदर। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फाक रहूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ, भिकारी वो के जिसके पास झोली है प्याला है। لك مطواعين إليك مخبتين
माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़्यादा रौनकें लगी हुई हैं, इतना ज़्यादा रश था तवाफ़ के लिए, सही के लिए। बहुत ज़्यादा आदमी ने दफ़ा उम्रे में आए हुए रमज़ान के महीने में। हम जो है बाहर निकल के ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे क्योंकि नीचे वाले फ्लोर फुली पैक था, तो मैंने कहा चलें ऊपर वाले पे चलते हैं ताकि थोड़ा रश भी कम होगा तो हम तय भी आराम से कर देंगे। अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में। टूटी जाती है उम्मीदें सभी, मौला मेरी रहम कर, बिगड़ी ही जाती है ये काया मेरी, और आस जो तुझ से लगी है, आस जो तुझ से लगी सुभान अल्लाह तमन्ना मेरी जिंदगी शम की सूरत हो खुदाया मेरी, मेरे मौला बख्त उम्मत कभी हम दोष सुरैया हो जाए, शब किया हो से मेरे मौला सवेरा हो जाए, और जात मेरी यूं उजालो। तो यहाँ पे मेरा उम्रा कम्प्लीट हो चुका है और यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करूँगी। रात के बज रही है 11:30, इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। अब हम घर जाएंगे और जाकर तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। यहाँ रहने चले गए थे बाबा शुवारमा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हम इफ्तार के फौरन बाद ही निकल आए थे जैसे कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ बाबा शुवारमा लेके आएंगे, हम शुवारमा इंजॉय करेंगे। व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप मुझे अपने फैमिली व्लॉग में ज़रूर याद रखिएगा इंशाल्लाह। रमज़ान के किसी व्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।